महाराष्ट्र राज्य में दिन प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच ये खबरें भी सामने आ रही है कि बेड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी अस्पतालों को हो रही है। इसी तर्ज पर नागपुर शहर के मेडिकल की स्थिति जानने के लिए हमारी टीम ने मेडिकल के डीन से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी। मेडिकल के डीन डॉक्टर सुधीर गुप्ता से हमें जानकारी मिली कि फिलहाल मेडिकल में 760 बेड उपलब्ध है, वही अभी 255 आईसीयू बेड भी उपलब्ध है। जब उनसे ऑक्सीजनेटेड बेड की उपलब्धता के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने जानकारी दी कि अभी मेडिकल में करीब 400 से 500 ऑक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध है। शहर में कई अस्पतालों में रेमडेसिविर इस इंजेक्शन की कमी की बातें सामने आ रही थी, जिसके बारे में जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि मेडिकल में इस इंजेक्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं है और अभी भी परिस्थिति में वहाँ कुल 4,562 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। आज हमारे पास 600 बेड इसके पहले थे और उसके बाद से हमने 160 बेड बढ़ा लिए हैं। अभी हमारे पास टोटल 160 बेड हैं। 700 दो तीन दिन पहले हो गए थे, आज 60 बेड और बढ़ाए हैं। इस तरह से हमारे पास 760 बेड हो गए। 255 हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं और इसके अलावा 450 और 500 बेड हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड हो गए हैं। वेंटिलेटर हमारे पास 119 वेंटिलेटर हैं, जो कि हमारे आईसीयूज में बाकी पेशेंट में यूज़ हो रहे हैं। जो कम सीरियस पेशेंट हैं, जिनका सिचुएशन 80-90% के बीच में है, उनको हम एनआईवी पे रखते हैं और उसके बाद ज़रा ज़्यादा अगर होता है तो उसके बाद वेंटिलेटर लगाने की प्रक्रिया इस मेडिकल कॉलेज में करते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में जीएमसी नागपुर में रेमसिडिविर की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 4,562 इंजेक्शन आज की डेट में अवेलेबल हैं। मेडिकल की भूमिका अभी 760 बेड हमने चालू कर दिए हैं और इसके बाद आगे देखेंगे कैसे होता, बट अगर कोरोना ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे को और बेड बढ़ाना पड़ेगा और बेड बढ़ा के जितनी सेवा हम नागपुर की जनता को और ग्रामीण पेशेंट को दे सकते हैं, वो आज हम सुचारू रूप से चालू कर किया है और आगे करते रहेंगे। स्टाफ हमारे पास अभी हमारे जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, क्लास फोर स्टाफ, सभी लोग इस सेवा में पूर्ण रूपेण मेहनत कर रहे हैं। जो भी पेशेंट आते हैं उनके लिए अपने पूरी शारीरिक दमखम पे काम कर रहे हैं और आगे अगर और स्थिति खराब होती है तो उसकी सेवा करने के लिए भी हम तत्पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मेडिकल में और बेड्स बढ़ाए जाएंगे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।